कहीं कोशिश ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट लाइन डिपार्टमेंट से वो इस हवाले से बकायदा अपनी एक पॉलिसी बनाए और उस पॉलिसी को वो अपने जो है डे डे टू डे जो रूटीन उनके काम होते हैं उसका ऐसा बनाए और उसके हवाले से बकायदा सिस्टम का है खुदा ना खासा कोई ऐसा वाक्य रुनुमा हो जाए तो हमारे से भी हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और उनकी स्ट्रेंथिंग करते हैं। तो ये जो हो जाएगा उससे किस तरीके से निपटा जाएगा फिर जो पब्लिक सर्विसेज है जिनके हमारे मुख्य इदारे तो पाकिस्तान के दुनिया में जो कवरेज पाकिस्तान में उन कवरेज से ज्यादा They are not considered strong enough to undertake the physically challenging tasks, particularly in the East. With what grass, herbs, and trees are best for them and should be planted to maintain a balanced ecosystem. The women are making their life easier and comfortable by cooking, farming, and catering and other things. Women are equally important in the society as men are. They can do everything a man can, leading their students, vendors, and literally everyone. शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इक़्तदारुल मुल्क है और मैं UNDP ग्लास 2 प्रोजेक्ट का एज ए प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर KP ड्यूटी अंजाम दे रहा हूँ। आज 11 दिसंबर जो कि इंटरनेशनल माउंटेन डे है और इस साल का जो थीम था 2022 का वो था वुमेन मूव इन माउंटेंस। तो इस हवाले से खान हायर सेकेंडरी स्कूल सिनलेस्ट के साथ मिल के ग्लास 2 प्रोजेक्ट UNDP ग्लास 2 प्रोजेक्ट ने इधर एक इवेंट का इनकार किया था और इस इवेंट का मेन मकसद ये था कि जितने भी हमारे माउंटेनस रीजन में ख़वातीन हैं वो ख़वातीन ही असल जो माउंटेनस रीजन है उनके निगहबान हैं, क्योंकि उनको इंडिजिनस नॉलेज का भी पता होता है और साथ में जितने भी इश्यूज़ वगैरह हैं उनके हवाले से भी पता होता है। और इन पहाड़ों में जो इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं और मेडिकेशनल आप प्लांट्स कह दें उनके हवाले से भी इन ख्वातीन को जो इंडिजिनस नॉलेज है या ट्रेडिशनल नॉलेज आप उसको कह सकते हैं इनके बारे में उनको मालूमात हैं। इसके अलावा अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र हो रहे हैं वो ख्वातीन ही होती हैं। मतलब अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए उसमें भी जो है ना सबसे ज़्यादा सफ़र होने वाली जो सेगमेंट है वो ख्वातीन की होती है। इसके साथ जो घर की देखभाल से लेके माशरती हो या वो माशी तरक्की हो उसमें ख्वातीन का अपना एक किरदार होता है। तो इस प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि उस हवाले से जो है अवेयरनेस हम थोड़ा बहुत मतलब जनरेट कर लें, क्योंकि इंटरनेशनल माउंटेन डे को अगर हम देख लें तो 2022 में यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने इस डे को जो है मतलब डिक्लेयर किया था और 2003 से ऑनवर्ड आज तक हर साल 11 दिसंबर जो है वो इंटरनेशनल माउंटेन डे के नाम से जो है मनाया जाता है और उसके मुख्तलिफ थीम होते हैं। तो इस साल का थीम जो था वो वुमेन मूव माउंटेन था। और अगर हम UNDP ग्लास 2 प्रोजेक्ट की बात करें तो इसका मकसद भी यही है, जितने भी हमारे पहाड़ी इलाके में क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड जो डिज़ास्टर्स हैं जिसमें ग्लेशियर लेक और बस फ्लड जो कि रिसेंट फिनोमेना है और बड़ी तेज़ी से इसमें मतलब इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है और हर साल जिन भी माउंटेनस रीजन में हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं और उनकी वजह से लेक्स फॉर्म हो रही हैं और उनके आउटबर्स्ट की वजह से फिर नेचुरल डिज़ास्टर्स जो आते हैं फ्लड की शक्ल में तो उनकी वजह से काफ़ी तबाही होती है। तो हमारा मकसद ये है कि जिन भी पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में ग्लेशियर्स हैं उसके नीचे जिन भी लेक्स फॉर्म हुई हैं और वल्नरेबल वैलीज़ हैं
उधर के कम्युनिटीज़ के साथ हम मिलके जो हैं काम करें और उनकी जो प्रोटेक्शन मिटिगेशन और अपडेशन के हवाले से हम उनकी मदद करें। ग्लाव प्रोजेक्ट के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक में हम इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं जिनमें भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे प्रोविंशियल लेवल के, नेशनल लेवल के या डिस्ट्रिक्ट लेवल के, तो उनकी हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं कि खुदा न खास्ता कोई ग्लाव इवेंट आने की सूरत में वो बेहतर तरीके से पॉलिसी मेकिंग भी करें और साथ में जिधर जिधर तबाही आ जाती है उन लोगों को, लोगों की वो मदद भी कर सके और इनके मसाइल के हल के लिए कोई बेहतर लाए अमल भी तरतीब दे सकें और पॉलिसी भी फार्मूलेट कर सकें। और इसके अलावा हम लोकल कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ में जितने भी हमारे टारगेटेड वैलीज़ हैं केपी में, 8 टारगेटेड हमारी साइट्स हैं जिसमें 3 जो है अपर और लोअर चित्राल में है, एक अपर दीर में है और 3 सवात और एक अपर कोहिस्तान कांदिया वैली में है। तो इन वैलीज़ में जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ हम प्रोटेक्शन के हवाले से, मिटिगेशन, रिजिलियंस और अडेप्टेशन के हवाले से हम काम कर रहे हैं। तो उसमें मुख्तलिफ इसके कंपोनेंट्स हैं, एक बड़ा कंपोनेंट हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम और ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस का है। हम इस प्रोजेक्ट के अख्तिताम तक हमारी कोशिश ये होगी इन तमाम वेलीज में हम वेल इक्विप्ड जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम के जो सिस्टम्स हैं वो इंस्टॉल कर सकें और ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन इंस्टॉल कर सकें ताकि कोई नागहानी आफत आने की सूरत में पेश भी इतला लोकल कम्युनिटी के हो और उनकी जान और माल को हम किसी तरीके से महफूज बना सकें। तो ग्लाव जो है मुख्तलिफ मत में अवेयरनेस के हवाले से, कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से भी काम करता है और आज का ये इवेंट भी उसी के एक जो है कड़ी है। 11 दिसंबर जो 2022 इंटरनेशनल माउंटेन डे है, ये ख्वातीन के हवाले से था और पहाड़ी इलाकों में जो ख्वातीन का रोल है उसको उजागर करने, उसके हवाले से अवेयरनेस फैलाने के हवाले से ये प्रोग्राम जो है हमने इधर ऑर्गेनाइज़ किया था। खान हायर सेकेंडरी स्कूल सिनलेक्ट की सीनियर मैनेजमेंट के साथ मिलके हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़े खूबसूरत जो है वो तरीके से इस प्रोग्राम को सर अंजाम दिया।